In 2008, I was DIG Jhansi Range of UP. Yeah. There, during my holidays, I used to visit villages, ask the people, what problem do you have? Then nobody answered regarding any problem of police department or from police or related to police. Every Sunday, every other village replied, we have water problem, we don't have police problem. So I thought we police walas are useless for the society. So in the night after 11 p.m., I started studying so many books after getting them from Delhi and preparing for almost 3 hours daily. Then studying, and thereafter I implemented them, whatever theories we have learned. Implemented right from DIG office, residence, and then 7 villages. People joined me because they knew the intention, and I was doing it during my holidays only. It is not possible to do while I'm on official duties. So people joined, and with their resources like sand, like concrete or cement, and then I implemented them on theoretical lines. आपने जैसा भी बताया कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ज़्यादा स्पेशलिटीज़ है या फिर उसमें ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो बेसिकली इसकी नीड जो आपको समझ में आई, जो आपने एक इंसिडेंट बताया आपका कि उनको पानी की ज़्यादा नीड थी, तो ऐसा क्या था कि वो गांव में जैसे पहले से उनके जो पुराने जो नदियाँ होती हैं, जो पॉन्ड्स आपने बताया वहाँ से वो लोग करते हैं पानी निकालते हैं, इसमें उसमें ज़्यादा फ़र्क क्या है, वो आसानी से वो कैसे कर सकते हैं जो आपका तरीका है, उनको आपने कन्वे किया है, समझाया है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, या सिर्फ अभी तक आपके पास ही बात है? प्रश्न बिल्कुल सही है। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार पिछले वर्ष मार्च में ही मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उनको भी सुन रहा था, वो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कैच द रेन वेर एवर इट रेन्स, एक एक बूंद जहाँ भी बारिश हो रही वहीं पे आप उसको कंजर्व करो। तो उसके लिए हमें जहाँ भी पास में तालाब है तब भी, कुआं है तब भी, उसी के पास में हमें पानी बचाना है। पानी कहाँ जाना है, यूँ बहते बहते कहाँ जा रहे हैं, पूरे शहरों को देखिए हिंदुस्तान में, तो वो नालों में चले जाते हैं पानी, है ना, बारिश का पानी सामान्यतः नाले में, फिर नाले से कहाँ गया, सोकौन नदी में, जो आज की तारीख में बड़े बड़े नाले हैं, अब वो नाले फिर समुद्र में जाते हैं। हमारी गोमती नदी को देख लीजिए, कोई फ्लो नहीं, नाला बन गया। गोमती नदी में फरवरी मार्च या अप्रैल 2018 में हम लोगों ने गऊ घाट पे, जो मेहंदी घाट भी कहलाता है, लोक भारती, मैं आपको बता दूं कि लोक भारती एक आनुषंगिक संगठन है आरएसएस का, जिसमें 15 साल से मैं हूँ 2008 से, तो हम लोगों ने वहाँ लोक भारती के सहयोग से पूरे 9 दिन का पूरे लखनऊ शहर में नदी संरक्षण का अभियान चलाया। इस बार भी 1 अप्रैल को हम लोगों ने शुरू किया, जो अभी 3 मई को ख़त्म होगा। तो करना ये है कि बारिश का पानी नाले में जाने से रोकना है, और जहाँ भी स्पेस मिल जाए, खास करके जहाँ से पानी आप निकालते हो, कहाँ से लेते हो, कुआं से लेते हो, तालाब से लेते हो, कुआं का मतलब हर तरह का कुआं, ट्यूबवेल भी, बोरवेल भी, हैंड पंप भी, तो जहाँ से पानी निकालते हो वहीं पे डालो पानी उसी के पास, ताकि जहाँ नीचे एक्वीफर है, मतलब एक्वीफर है तभी तो पानी दे रहा है, एक्वीफर का मतलब जल स्रोत, कुआं के नीचे, हैंडपम्प के नीचे जल स्रोत है तभी तो पानी दे रहा है ना, हमें उसको डिप्लीट होने से बचाना है, मतलब पूरी तरह खाली ना हो जाए, इसलिए बारिश का पानी इसको रिप्लेनिश करना है, तो वहीं पे आप रिचार्ज करेंगे। अब मान लिया जाए कि ये हमारा कुआं है, तो हम अपने चारों तरफ 2 पार्ट में ट्रेंच बनाते हैं, दो पार्ट में, तो ऑलमोस्ट 75% सराउंडिंग में चांद नुमा ट्रेंच बन गया। अब कौन सा पानी आएगा, जस्ट बगल में मान लिया कि एक गांव की लेन गई है, गली गई है, अब वो 2 दिशाओं में गई है, जाएगी 2 दिशाओं में जनरली,
अब इसी पे गली पर ही सिर्फ मिट्टी का ही हम मजबूत मेड़बंदी कर देंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ताकि आने जाने वाले टू व्हीलर्स को फोर व्हीलर्स को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बारिश का पानी रुक जाए। रुकने के बाद उसी को डाइवर्ट कर देते हैं ट्रेंच में, उसको डायरेक्ट कुआं में नहीं गिराते हैं, चारों तरफ ही ऊपर से रिचार्ज करेगा वो। आपको मैं लखनऊ के अनुभव से बता दूँ कि विद इन 60 डेज, जैसे 2012 में 17 जून को बारिश हुई थी लखनऊ में, और हमारा 260 फीट नीचे वो था ट्यूबवेल पुलिस एनक्लेव का, जो सूख गया था 2 महीने के लिए, मई और अप्रैल में, मई जून में लखनऊ में, मई जून में इसी विभूति खंड में पुलिस एनक्लेव है जहाँ हम रहते थे पहले, और ठीक 60 दिन बाद, मतलब पहली बारिश के 60 दिन बाद, पहली बारिश के बाद दूसरी बारिश चलती रही 60 दिन के अंदर अंदर, अब वही ट्यूबवेल जो पानी नहीं दे रहा था जिंदा हो गया। अच्छा, जबकि इसके अराउंड ही करना होता है, कोई सेपरेट जगह पे हम नहीं कर सकते, कहीं भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब भारत में 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, तो सब जगह तो हम नहीं कर सकते रिचार्ज, हमें वहाँ ध्यान रखना है जहाँ से हम पानी लेते हैं। अच्छा, हम दूसरे जगह का भी पानी वहीं पर ले आएंगे, ताकि जहाँ से हम पानी ले रहे हैं वहाँ चारों तरफ साल भर पानी मिलता रहे उसको, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानी से ही पानी बचाना, पानी से ही पानी बचाना है, और जहाँ से जिस स्रोत से खर्च करते हैं, जैसे अब ये मुस्कान का बैंक अकाउंट है और मान लो इसको सैलरी मिल रही है, अब अपना वेतन अगर 1 तारीख को या जब भी मिला अगर अपने खाते में नहीं डालेगी या आपके खाते में डाल देगी तो अपने खाते से कैसे निकालेगी। उसी तरह से हमारा कुआं है, हम इससे पानी ले रहे हैं, अगर हम इसको रिचार्ज नहीं करेंगे, लंदन वाले को रिचार्ज करेंगे, पंजाब वाले को करेंगे, तो हमें तो नहीं मिलेगा ना। सर, ये जो वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है महाराष्ट्र में बहुत सारी थी, लोग कई कई जगह पे टैंकर में पानी भिजवाते हैं, अभी विदेश में कई हिस्से हैं ऐसे, और प्रोडिक्शन हैं कि कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कि हमें पानी मतलब किल्लत हो जाएगी, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो एक चीज़ ये क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ये तो हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम पानी कैसे बचाएं, ठीक है, लेकिन जो पानी वेस्ट होता है, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं कि पता नहीं कितने ट्रिलियन गैलन इंडिया से पानी वेस्ट होता है, वहाँ से कहीं किसी बिल्डिंग से, बिल्डिंग के हर बिल्डिंग में नल खुले रहते हैं, ख़राब रहते हैं, और जितने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी वेस्ट होता रहता है डेली 24 घंटे, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा है वो कैसे। ये प्रॉब्लम आपको बड़ा लगता है पानी का वेस्ट होना, सपोज़ यहाँ पे हैंडपम्प है, हैंडपम्प खुला हुआ है और साफ पानी नीचे चला गया, बसरते नीचे जाए, नाले में बह के नदी में ना जाए, अगर वहीं पे अगर नीचे चला ही गया वेस्ट हो करके, तो गया तो नीचे ज़मीन में ही ना। नहीं सर, तो वो तो एक मिनट है। वो टेम्प्रेरी वेस्ट है, लेकिन गया वो रिचार्ज होके नीचे, हमें वो पानी ज़रूर बचाना है जो नाले में कलेक्ट होके फिर वो नदी के माध्यम से समुद्र चला जाए। अगर हम रिचार्ज करना शुरू करेंगे ना, और सभी के लोग रिचार्ज करेंगे ना, ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर हो जाए, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाए, हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। ये आदत का हिस्सा कैसे बनेगा, नर्सरी स्टेज से ही, बच्चों से ही आप सिखाना शुरू कर दीजिए, जो 6 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कोई आदत डाल दी जाएगी ना, वो आदत बहुत लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कराने लग जाएं, सिखाने लग जाएं टेक्निक, नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, सभी के लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, जिसमें वाटर भी होगा, ट्रीज भी होंगे, पोल्यूशन भी होगा, कंपल्सरी आइटम होना चाहिए कि इतने नंबर आपको 5% उसी के मिलेंगे। ये करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बताना था, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो आज की डेट में होते प्रैक्टिस स्कूल में, वो इन्वायरमेंट सेव वाटर के, बस एक ड्राइंग बना के लिया, आपका काम हो गया, आपने अपना योगदान दे दिया, कोई कचरा कहीं से बटोर लो, आपने योगदान दे दिया, उनको कुछ अहमियत फील नहीं होती कि हमने कुछ एफर्ट किया है जिससे कुछ रिजल्ट आया है, उनको एक रियलिटी फेस नहीं कराते कि आपने ये किया है तो ये कल को ऐसा होगा। अब ड्राइंग बना के लाने से किसी का क्या होगा, कुछ होने उनको सेंस नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया, और इसी से रिलेटेड मैं दूसरी बात उसमें जोड़ रहा हूँ कि लोग सो कॉल्ड वर्कशॉप चलाते हैं ना, वो वर्कशॉप नहीं होता, वो टॉकिंग शॉप होता है। वर्कशॉप मीन्स रियली काम, कार्यशाला, ग्राउंड पे दिखे कुछ, कि ग्राउंड पे दिखे कुछ प्रोडक्ट तैयार हो, आप सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं,
यही भी इस समय पूरे देश में हो रहा है। हम बातें बहुत कर रहे हैं, टॉकिंग शॉप खूब चला रहे हैं, वर्क सो कॉल्ड वर्कशॉप खूब चला रहे हैं। इवन राजेंद्र सिंह जी आज की तारीख में, ठीक है ज़माना था शुरू में, उन्होंने कुछ नदियों के रिवाइवल के लिए काम किया और सक्सेसफुली किया भी, पूरा देश व्यापी उनका संगठन भी खड़ा हो गया। जैसे आज सद्गुरु कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कर रहे हैं लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ये वास्तव में जन आंदोलन बनाने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जैसे अभी जोधपुर में फरवरी में 8 फरवरी को मेरा वर्कशॉप था, आई वॉज इन्वाइटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वहाँ पर मैंने सुझाव दिया, ये आपके पटेल साहब हैं मध्य प्रदेश के, वो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं भारत सरकार, तो मैंने सुझाव दिया कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके कंडक्ट रूल में आचरण नियमावली होती है, उसमें आप आवश्यक प्रावधान कर दीजिए कि आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से अथवा अन्यथा ऐसे काम करें जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुधार करेगा। ये सबके कंडक्ट रूल में डाल दीजिए, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनिवार्य कर दीजिए। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग में पानी भरवा दीजिए। अच्छा, और स्कूल्स में भी, जब मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम 5% नंबर आपके पूरे टोटल नंबर में से आपका सिर्फ एनवायरनमेंट, वाटर, ट्रीज, ये सब होना चाहिए। और जाहिर है जब एक बार प्रारंभ कर देंगे और फिर इसके बाद यू सो द रिजल्ट। आप अभी यूपी में क्या पा रहे हैं, यू मे ब्रॉडकास्ट इट, यूपी में खूब प्रचार हो रहा है, दिल्ली में भी खूब प्रचार हो रहा है, काम भी हो रहा है। लेकिन आई वॉज सरप्राइज कि 12 अप्रैल को मैं रांची में था कि रांची में मुझे कम प्लास्टिक दिखा, कम गंदगी दिखी लखनऊ की अपेक्षा, लखनऊ से ज़्यादा साफ रांची दिखा मुझे। वो इसलिए हो रहा है कि अब प्रचार पर लोगों का ध्यान चला गया है, रिजल्ट पर नहीं। ये तो है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी समस्या, जैसे आप लोग के एफर्ट से जो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, तो एक थोड़ी नहीं लोगों को एक तरीके की आज़ादी ये मिल गई है हाउस होल्ड्स को या किसी को भी, कि कहीं भी गड्ढा खोद देते हैं, पाइप डाल देते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते रहते हैं समरसेबल से। नहीं, इस पर ऑलरेडी अभी जो एक्ट बना है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट, ये अभी 4 साल पहले बना यूपी में बना है। और यहाँ बनने के पहले ही हिंदुस्तान में कुछ प्रांतों में 2001 में ही बन चुका था। अच्छा, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड तो अमल में आया कार्यवाही, लेकिन ये अमल में वास्तव में ला नहीं रहे हैं, नहीं ला, कानून बस बन गया, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये मतलब ग्राउंड लेवल पे मैनेजमेंट नहीं ठीक है इनका, इम्प्लीमेंटेशन में ये शेकी है। क्योंकि सर अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो आप कितना भी, आप इधर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इधर से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया जा रहा है, और ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है, देने वाले कम लोग हैं, निकालने वाले कई गुना हैं, तो आप वो बैलेंस तो कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा, वही वाली बात मैं इसको समझाता हूँ पुलिस से और चोर से, कि चोर के पास SUV है और पुलिस के पास अगर वही घिसी पीट कम स्पीड वाली गाड़ी है तो क्रिमिनल को पकड़ेंगे कैसे। उसी तरह से हमारा वाटर लेवल तेज़ी से हर साल 1 मीटर, कहीं 2 फीट, कहीं नीचे जा रहा है, गिरने का तो ज़्यादा बढ़ने का। और हम एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, रिचार्ज 15% हो रहा है, तो हम जा कहाँ रहे हैं। ये जो गर्मी बढ़ रही है ना, अगर हम वाटर कंजर्वेशन प्रॉपरली करें तो इतनी तेज़ी से गर्मी नहीं बढ़ेगी। फिर प्लांटेशन हम कर रहे हैं, 2001 से 2021 के बीच में मैंने कैलकुलेट किया, उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ सरकारी आंकड़े के अनुसार पेड़ लग चुके हैं। 40 करोड़ में और बढ़ा कितना फॉरेस्ट एरिया, 0.4%। तो सर वही है, सरकारी में तो कई नंबर्स एग्जैगरेट करके दिखा देते हैं कि हमने इतना कर दिया, ग्राउंड पे कितना आने। उसके अलावे सिर्फ सरकारों की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। हमारा एजुकेशन ऐसा बन गया, वही वाली बात कि सब आप कहीं से ड्राइंग ले लिया, डाउनलोड किया, कॉपी किया इंटरनेट से, उसको प्रोजेक्ट मान लिया। दिस इज नॉट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब रियली ग्राउंड पे काम करो। अब सपोज़ यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक यहीं पे, जैसे आप सबने सज्जू अपार्टमेंट के सामने, आप कभी इनफॉर्मली भी दोनों आओ किसी टाइम में, सुबह या शाम, संडे, नॉर्मली संडे को फ़ोन करके, तो हमने कुछ ट्रेंचेज बना रखे हैं लेबर से ही,
उसमें क्या होता है कि शहीद पथ का जितना पानी नीचे गिरता है वो भी हम रिचार्ज कर रहे हैं, और हमारा जो 1500 वर्ग मीटर का एरिया हमने एनक्लोज कर रखा है उसको भी रिचार्ज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर मीटर का पानी हम रिचार्ज कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रेंचेस से कर रहे हैं। 21 हद तक यूज़ में आ सकता है? अभी तो हम सिर्फ ज़मीन को पानी दे रहे हैं, ज़मीन के अंदर रिचार्ज कर रहे हैं। यूज़ करने के लिए तो हम हर दिन यहाँ पे, आखिर यहाँ से हम ट्यूबवेल तो हमारा है ही, हम यूज़ तो कर ही रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली उधर सड़क के उस पार है, सड़क के इस पार हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम उसको पाइप से अंदर लेके यहाँ पे रिचार्ज सिस्टम बना के उसको रिचार्ज करें, यहाँ भी रिचार्ज सिस्टम बने हैं, लेकिन हम समझते हैं 60% पानी फिर भी बारिश का बाहर भाग जा रहा है। सर, इन्वायरमेंट को तो रिवाइव करने का पूरा एक साइकिल है, एक चीज़ से तो होगा नहीं। जैसे आप जो कह रहे हैं कि भाप होती है, गर्म हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो उसमें तो कंट्रीब्यूशन पेड़ों का भी होगा, नदियों का भी होगा, और हार्वेस्टिंग तो करना ही पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो पेड़ जो है, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर ज़िले में पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में दो ब्लॉक में 169 गाँवों में हम लोग भारती वालों ने अभियान चलाया। हर गाँव में 11 लोगों की समिति बनाई, उसी दिन वहाँ वृक्षारोपण किया, 3 दिन अभियान चला, और उसके बाद फिर हम लोग एक ग्रुप बनाए, फिर मॉनिटरिंग करते रहे कहाँ कितने पेड़ लगाए गए। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ों को बचाना भी है, बचाने के लिए भी वो अपने अपने संसाधन से ही उसको बचाना है। पेड़ लगाने के साथ साथ बचाना ज़रूरी है। जैसे आज की तारीख में हर दिन पानी चाहिए पौधों को, हम यहाँ हर दिन दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग श्रमदान से सप्ताह में एक दिन करते हैं, बाकी 6 दिन तो उसको लेबर रख के करते हैं, उसको दे रहे हैं मालिक को, हम 4000 रुपया उसमें खर्च कर रहे हैं, डेली पानी दे रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि आपके हिसाब से क्या है कि गांव इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शहर कर सकते हैं, शहर वाले अपने दोनों कर सकते हैं? नहीं, करते दोनों नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आपने पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, सब राइट्स की बात करते हैं, सिर्फ ड्यूटी की बात हम आ रहे हैं उस पर। उसमें दो वर्ड इम्पॉर्टेंट, एक है साइंटिफिक टेम्पर, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी नंबर वन। उस फंडामेंटल ड्यूटी को आप फंडामेंटल राइट की तरह अगर एनफोर्सेबल कर दीजिए तो जाहिर है हर नागरिक के लिए भी वो फंडामेंटल ड्यूटी होगा, और सरकार के लिए भी होगा। सभी लोग एक दूसरे के लिए जवाबदेह हो जाएंगे, पूरी सोसाइटी के लिए जवाबदेह होंगे। दिस इज मस्ट इन इंडिया। बहुत हो गया, बहुत देर हो चुकी है। हम हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग डंडे के आदि हैं। डंडा मीन्स कंपल्सन के, हमें कानून का भय जब होगा तो हम काम करेंगे। डंडा का मतलब फिजिकली वो नहीं, ये जरूरी है हिंदुस्तान, इट्स अ मस्ट। ठीक है सर, इस समय का अभाव है हमारे पास, तो बस लास्ट में एक जनता को एक सिंपल कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए कि अगर अपने फ्री टाइम में, सोशल लाइफ में कुछ भी करते करते एक अवेयरनेस उनके दिमाग में रहनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करते रहें कि कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा ही हो कि पानी बचे, वेस्ट ना। पहली बात तो ये अवेयरनेस वर्ड हिंदुस्तान में दशकों से चल रहा है, चल रहा, और हर 400 आदमी पे एक एनजीओ है। हाँ, एनजीओ तो, और एनजीओ जितना अपना योगदान दिखाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तब तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए यार। एनजीओ में पर्पस, लेकिन अब उसमें करना क्या है, इसी में अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे सिटीजन्स चार्टर्ड आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं लिखा हुआ है, पुलिस विभाग में भी सिटीजन्स चार्टर्ड थे। चार्टर्ड का मतलब ये कि कौन सा एप्लीकेशन मान लिया आपने कोई दिया, कितने दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन निकला, कितने दिन के अंदर आपका काम हुआ, वो सिटीजन्स चार्टर्ड में। जैसे अभी इन्होंने जब जन आंदोलन की बात की, ये इनका नारा है, और मैं उसको जन आंदोलन के लिए सुझाव देता हूँ। सुझाव क्या है, जितना बजट खर्च करते हो ना पानी पे, उसका ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% आप अवार्ड के रूप में हर गांव को, हर शहर को, हर हाउसिंग सोसाइटी को दीजिए, अवार्ड के रूप में दीजिए। लेकिन वो सिर्फ पैसे के रूप में होना चाहिए, सीधा उनके खाते में डायरेक्ट। सर, तो मतलब वो तो सरकार क्या करेगी, लेकिन जनता तो, जनता को करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मरो, डू और डाई, आएगा नहीं, डू और डाई। अभी क्या है कि जनता, जैसे सपोज कि कहीं पानी नहीं है, सरकार टैंकर से कभी ना कभी पहुंच जाती है, वो कैसे वो प्रेरित हों कि हम ही पानी का अरेंज करें, हम ही, हमने नहीं बचाया होता, मतलब खर्च नहीं किया होता तो आज बचा। कम्युनिटी को ये जिम्मेवारी नहीं दी गई है, ना कोई पैनल प्रोविज़न लाया गया है
आप अर्थदंड लगाइए ना, अर्थदंड लगाना ही पड़ेगा आपको। वही मैं कहता हूँ जो समर सेल वाली बात, उसको रोकने के लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सिस्टम जब आप बनेगा ना, यहाँ मान लिया सिस्टम बना हुआ है, हमने एक रेन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बना दिया और वहीं पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाहिर है कि डेली जब उसको 50 आदमी अपनी आँखों से देखेंगे कि नहीं ऐसे बनता है, अच्छा, हाँ। इससे ज़्यादा अच्छा अवेयरनेस कुछ नहीं हो सकता सिवाय ऐसे कि लेक्चर सुनने के। बिल्कुल नहीं, क्या है सर कि देख के पढ़ के रुक के सर पढ़ने के लिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में 10 सेकंड की क्लिप, 2 मिनट की क्लिप लोग देख लेंगे, लेकिन रुक के किसी दीवार पर नोटिस नहीं पड़ते हैं। लेकिन उस सोशल मीडिया के कारण आप नौ फालतू चीज़ें भी देखते हुए एक अच्छी चीज़ देखने के साथ साथ उसमें टाइम आपका बहुत जाता है। आप वहाँ सिस्टम के पास जब जाओगे ना और उसको वहाँ जा के 4 क्वेश्चन पूछोगे, वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अवेयरनेस का तरीका बदलना पड़ेगा। लीडर आपके स्वतंत्र देव सिंह हैं ना, अभी तो जल शक्ति मंत्री वही है, उनको कहिए कि साहब जो लोग जुनूनी लोग हैं उनको तो आप सही जगह पे लाइए। उनका भी इंटरव्यू जिस दिन करने का मौका मिल गया सर, तो सब आप जुनूनी लोगों को लाइए आप यहाँ पे अपनी जगह पे, उनको दीजिए पावर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ जनता थोड़ा उसको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण ये काम है और पानी बचाना कितना आज की डेट में जरूरी है, जिस हिसाब से बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। अर्जेंट है, इमरजेंसी है, इमरजेंट वर्क है।